रिया चक्रवर्ती ने फोटोज शेयर की हैं दो ऐसी प्रॉपर्टीज की जो सुशांत सिंह राजपूत की हैं और उनके पास है जी हाँ क्या ये फोटोज हैं और क्या कुछ है चलिए आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं वेल हेलो गाइस वेलकम टू मूवीज अड्डा मैं हूँ ज्योति नाहक हाँ। बता दू आपको कि रिया चक्रवर्ती ने दो इमेजेस शेयर किए हैं इसमें से पहली फोटो जो है वो है ग्रेटिट्यूड लिस्ट जी हाँ जो की सुशांत सिंह राजपूत ने लिखी है अगर आप इस लिस्ट पर गौर फरमाएं तो इसमें क्या कुछ लिखा है सबसे ऊपर लिखा है ऑफकोर्स ग्रेटिट्यूड लिस्ट और उसके बाद लिखा है आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द लव इन माई लाइफ आई एम थैंकफुल फॉर इल्लू इन माई लाइफ आई एम थैंकफुल फॉर बेबू इन माई लाइफ आई एम थैंकफुल फॉर सर थैंकफुल फॉर मैम इन माई लाइफ थैंकफुल फॉर फज इन माई लाइफ अब ये सारी चीजें सुशांत सिंह राजपूत ने लिखी हैं उस चीज को शेयर करते हुए रिया चक्रवर्ती ने लिखा है कि इल्लू इज माई ब्रदर शोविक एंड मैम एंड सर आर माई मॉम एंड डैड बेबू इज मी एंड फज इज हिज डॉग फज सो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ये दिखाने की कोशिश कर रही है उन्होंने ये लिस्ट शेयर की है और उन्होंने साथ ही साथ एक और दूसरी फोटो जो शेयर की वो है एक बॉटल की फोटो जो कि छिछोरे की बॉटल है और उन्होंने ये शेयर की दोनों इमेजेस एंड उन्होंने लिखा कि ये ही दो चीज़ें हैं जो सुशांत की हैं और मेरे पास है उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं सो so, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती एक तरीके से अपना क्लैरिफिकेशन अब आकर दे रही है सामने और अपनी तरफ से उन्होंने ये बात लिखी है और मैं आपको बता दूं कि वो जो डायरी से उन्होंने ये जो चीज़ें शेयर की है ये अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है कि ये डायरी किसकी है और ये रिया के पास क्या कर रही है अगर ये सुशांत की डायरी है तो ये रिया के पास क्या कर रही है या फिर ये तब लिखा गया है सब कुछ अच्छा अच्छा ही था सो तो ये कब के नोट है? कब, कब लिखा गया है और किस जोन में लिखा गया है जानबूझ लिखाया गया है ये किसी को भी नहीं पता ये सारी चीजें ना हमें पता है ना आपको पता है लेकिन कहीं कहीं रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से अब ये चीजें शेयर की है और ये ग्रैटिट्यूड लिस्ट उन्होंने शेयर की है सुशांत सिंह राजपूत की तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आ जाते हैं बहुत सारे लोग वापस से एंड ये दिखाकर ये लिस्ट की फोटो शेयर कर रिया क्या कुछ मैसेज देना चाहती है आप लोग को क्या कुछ समझ में आता है या आप मुझे बताइए दिए गए, गए कॉमेंट सेक्शन में